नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल गुप्ता और आज बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ज़ायरा वसीम के बारे में। वही ज़ायरा वसीम जो सीक्रेट सुपरस्टार में बुरखा ओढ़कर गिटार बजाते हुए एक रोल प्ले करती हैं और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में छा जाती है। उसी तरीके से जब वो दंगल में कुश्ती करती है लड़कों के साथ, तो बहुत सारी लड़कियां जो ख्वाब देखती हैं घर से बाहर निकलने का, कुछ कर गुजरने का, वो उनसे खुद को कनेक्ट करती हैं। लेकिन ज़ायरा वसीम ने एक रीज़न देते हुए जो है बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है, और वो रीज़न ये है कि उन्हें लगता है कि वो अल्लाह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने काम की वजह से। उन्हें लगता है कि एक्टिंग कहीं ना कहीं उनके स्पिरिचुअल जो उनका बिलीव है वो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं। शुरुआत करते हैं शोएब से। शोएब, आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम परिवार से आते हैं, आप इस ज़ायरा वसीम के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है, इस्लाम में मतलब जो भी ये कमाई है जो ज़ायरा वसीम जो फिल्मों से कमा रही थी, इस्लाम में वो हलाल नहीं है। हलाल नहीं है? हाँ। किस वजह से? कुरान में साफ ऐसे नहीं लिखा है कि ये हराम है, लेकिन कई हदीसें इससे जुड़ी हुई हैं जिसमें बताया गया है कि जब पहले किसी ज़माने में कभी संगीत हुआ करता था तो उसमें जो महिलाएं थी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से होता था, उन्हें नचाया जाता था जबरन, उन्हें जो पहले बंदियां जो होती थी बंदी बनाकर उनसे गलत इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। तो उस समय के लिए, उस ख़राब चीज़ के लिए, कि जैसे म्यूज़िक है तो उसी समय किसी बड़े बूढ़े इस्लाम में किसी ने कह दिया कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो वहाँ उस चीज़ के लिए वो वहाँ रोक दिया गया। लेकिन फिर भी कवाली जो होती है या जो हम सूफी समाज देखते हैं, सूफी संतों को देखते हैं, एक से बढ़कर एक, वो जो सर, तो इसका मतलब वो सब हराम है? सर नहीं, सर हराम नहीं है ना। कवाली तो आप फील कर, आप सर फर्क भी तो देखिए ना, एक किसी बॉलीवुड का गाना और एक पिया हाजी अली पर कवाली, दोनों चीज़ों में अंतर भी तो है ना। आप जब फील करने बैठेंगे तो अरिजीत सिंह को सुनेंगे तो गाना तो गाना है, चाहे वो बॉलीवुड का गाना हो चाहे वो आप गाना, अगर उसे अगर इस्लाम में संगीत से प्रॉब्लम है तो संगीत तो सब कुछ है। संगीत में पॉप भी आता है, संगीत में गजल भी आता है, संगीत में वो सारी चीजें आती है। मैं अर्शिया से जानना चाहूंगा, अर्शिया आपको कैसा लगता है जो फैसला ज़ायरा वसीम का है, वो क्या आपको लगता है कि सही फैसला है उनका, जो जिस रीज़न देकर के उन्होंने छोड़ा है? सही गलत तो दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत चीज़ें हैं जो लड़कियों को वैसे ही काम करने से रोकती हैं, और अगर एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको बहुत सारी लड़कियां जिससे इंस्पायर हो रही थी और सोची थी कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, यहाँ की उनकी मूवी से भी इंस्पायर हो रही थी कि दंगल में वो लड़की, जहाँ पे हरियाणा में कोई लड़की दंगल नहीं लड़ती, वो लड़कों से भी जीत जाती है, और सीक्रेट सुपरस्टार में कैसे वो अपने अब्बू के अगेंस्ट रिवोल्ट करके भी अपनी अम्मी के लिए स्टैंड लेती है, ये सब हमको ऐसा फील होगा उन सारी लड़कियों को कि ये तो बेफजूल था, क्योंकि वो उस बंदी जो ऐसे रोल्स कर रही थी उसने तो खुद ही ये बोल दिया कि मैं, क्योंकि इस्लाम में के भी इस्लाम के रास्ते में आ रहा है तो मैं काम करना छोड़ दूंगी। आप ये तो समझिए किस लिए छोड़ा है निहारिका, मैं छोड़ा है कि हम 21वीं सेंचुरी में हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? उसने अपने सीधा मामला, उसने सीधा बोला कि अल्लाह के पास जाना चाहती है, मतलब अध्यात्म की ओर जाना चाहती है। और सारे लोग ये करते हैं वो अल्लाह के पास नहीं जाते। नहीं नहीं, मेरा सीधा सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, तब्बू इसके बाद आपका दिया मिर्जा, कटरीना कैफ, हीना खान, फातिमा सना शेख जो उसके साथ दंगल में थी, लोग हैं जितने लोग बॉलीवुड में इस समय काम कर रहे हैं जो मुस्लिम हैं, और मुस्लिम का मतलब सिर्फ एक महिला और पुरुष से नहीं हो सकता, इस्लाम को फॉलो करने वाला कोई भी हो सकता है। वो ऐसे तो बॉलीवुड के सारे खान हैं, बॉलीवुड में तो राजी मुसलमान है, तो इसका मतलब ये सारे लोगों की जो कमाई है और इन लोग को सबको काम छोड़ करके अल्लाह की राह पर चले जाना चाहिए। बात ये नहीं है ना सर, आप समझ नहीं रहे ना कि उसने किस अल्लाह की राह पर किस तरीके से बात कही है। आप ये समझिए ना सबसे पहले कि वो अल्लाह की राह का मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि मेरे को काम कर, मुझे लगता है कि मेरा काम से मैं मतलब अपने रिलीजन से दूर होती जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि काम करने वाला इंसान या एक काम करने वाली एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है वो अगर काम करती है बॉलीवुड में, तो इसका मतलब कि वो अपने आप को अल्लाह से दूर कर रही है। यानी जितने लोग हैं, जितने लोगों के नाम आप बॉलीवुड में गिन लो, हिना खान से लेकर के तब्बू से लेकर के नरगिस से लेकर के पुराने जमाने में आप चले जाओ, वाहिदा रहमान थी, उसके बाद आपका फरीदा जलाल रही है, एक से बढ़कर एक नाम। और हर एक एक्ट्रेस रिस्पांसिबल होती है उसके अगले, पांच उंगली बराबर नहीं होती, सबका मान धार्मिक नहीं होता। मेरे हाथ में टैटू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं, सबका अपना जीने का तरीका होता है, मतलब आप भी, आप शायद ज्यादा, मेरी बात क्या, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, आप कहना चाह रहे हैं जैसे हिंदुओं में साध्वी बनती है, वो क्या जो साध्वी बनती है
क्या आपने देखा है जैसे साध्वी की लाइफस्टाइल क्या होती है, वो अपने दुनिया के सब मतलब दुनिया के सारे सुखों को छोड़ के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो वही। लेकिन ज़ायरा एक रोल मॉडल थी ना लड़कियां, उसे उसको रिस्पांसिबल रोल मॉडल किसने बनाया? आपने बनाया, हाँ, तो खुद ने बनाया नहीं, वो एक रिस्पांसिबिलिटी होती है फैंस के लिए कि उसको जो फॉलो कर रही है लड़कियां उस उम्र की स्पेशली, वो ये बोलेंगे कि नहीं हमें बिल्कुल कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो अगर हम ऑफिस में भी आते हैं तो आई एम श्योर वहां भी ये होता होगा कि नहीं शायद मेरे रिलीजन के बीच में आ रही है कोई चीज। गौरव, जिस वजह को लेकर लड़कियां इतना पीछे चली गई हैं और हम उन्हें और पीछे धकेले चले जा रहे हैं। कश्मीर में आप भी जानते हैं कि बहुत कम लड़कियां जो हैं वो बाहर निकलती हैं, नाम कमा पाती हैं, बहुत कम है सर, इशू बहुत कम है। एक ज़ायरा निकल के आई और उन्हें वो एक रोल मॉडल बनी, आपको लगता है कि उससे जो क्योंकि एक छोटे शहर से आना और अपने ख्वाबों को पूरा करना ये शायद हर कश्मीर की हर लड़की के दायरे में नहीं आता, लेकिन क्या जो इस तरीके का फैसला है वो कहीं ना कहीं कश्मीर सहित दुनिया भर की लड़कियों को इफेक्ट करेगा? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सारी लड़कियों को इफेक्ट करेगा जो उनको अपना एक रोल मॉडल मानती थी, मगर ये उनका निजी फैसला है, ठीक है। आप किसी के निजी फैसले को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हो सकता है वो बोल देती मुझे फिल्म नहीं करनी, वो उनका फैसला है, मगर जब ये धर्म का फैक्टर उसमें जोड़ा जाता है, जब उन्होंने बोला कि वो अल्लाह की राह, भाई भाई समझ ले रहे हैं ना, धर्म का क्वेश्चन है, गलत समझ रहे हो ना। आपने अभी आप ही ने एक बात बोली कि जो पहले बंदी होती थी, जो बंदी लाई जाती थी वो हराम इसीलिए है क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ तो काम कर रहा है। सुनो, पहले ये ऐसा उनसे गलत काम कर रहा है। एक माइंडसेट चेंज करना जरूरी है जो ज़ायरा वसीम के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब 10 साल और हम 100 साल हम पीछे चले गए इस बात की बात की। देखिए ज़ायरा ने अभी तक जितने भी रोल किए, मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, देखिए बॉलीवुड में बहुत से ऐसी हीरोइंस हैं जो साफ मना कर देते हैं कि मुझे किसिंग सीन्स नहीं देने, बिल्कुल ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये उनके पर्सनल चॉइस है कि वो देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, या वो बिकनी पहनना चाहती हैं नहीं पहनना चाहती, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि मेरे को इससे बियॉन्ड नहीं जाना। तो सिमिलरली क्या इनके पास भी ये ऑप्शन था कि भाई वो इस तरह के रोल ना करें या इस तरह के गाने ना करें? साथ ही अतुल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनकी जो एज थी अभी जो उन्होंने दंगल में जो रोल किया, उन्होंने गीता फोगाट बबीता फोगाट जो दो बहनें थी, हमने दंगल फिल्म में वो उनकी पूरी कहानी देखी, हरियाणा में उन उस फिल्म के बाद हरियाणा में लड़कियां जितना इंस्पायर हुई हैं कि हाँ हमें कुश्ती करनी है, जो उनके बड़े बुजुर्ग थे जो कहते थे कि नहीं नहीं ये तो लड़की है ये क्या करेगी ये क्यों घर से निकलेगी, और सीक्रेट सुपरस्टार तो सबसे बड़ा एग्जांपल है, उन लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई, उन्होंने कहा नहीं हमारी लड़की हमारा मान है, वो हमें मेडल ला के दे रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, इससे बड़ी बात आपके लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है। हाँ अब इन्होंने पहले उनके मैनेजर ने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, फिर अनुपम खेर सामने आए, उन्होंने बोला कि शायद वो किसी दबाव में ये डिसीजन लिया, मगर मुझे बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने खुद ट्वीट करके बोला कि उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ था। अच्छा, आप और ये उनकी पर्सनल चॉइस है, एक सवाल तो आप मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल है जिसका जवाब आप सबसे जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रोल्स भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं मुस्लिम धर्मगुरु भी कह सकते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं और उनके दबाव में आकर के उसने ऐसा काम किया, आप में से कितने लोग इसको सही या आपका अपना ओपिनियन क्या है? सर देखिए सर, नहीं दबाव की बात तो ऐसे सुनिए, धर्म में कोई भी किसी भी धर्म में कैसे भी आप पे दबाव बना के आपके लाइफस्टाइल को नहीं बदल सकता। अगर लाइफस्टाइल अगर ये पहले दबाव होता तो ज़ायरा वसीम एक्ट्रेस ही नहीं बन पाती शायद पहले, क्योंकि उसने तो रोल मॉडल बनी है, शायद अगर हो सकता आप मान लें ना समाज के, वो पहले भी बनना चाहती हूँ और फैमिली दबाव की वजह से हो सकता है फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं, बाद में वो बन गई हूँ लेकिन बाद में फैमिली को प्रेशर आया। आई थिंक आयरनी इज दैट शी डिड अ मूवी लाइक सीक्रेट सुपरस्टार, ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी फैमिली को लगातार धमकियां मिल रही थी, बिल्कुल आप ये भी माने कि उनकी हर फोटो को जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं या उनके सोशल अकाउंट देखते हैं उसके नीचे जो फेरिस्ट है ना लंबी चौड़े कमेंट, लेकिन करने वो तो फातिमा सना शेख को भी मिलती थी, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं, जो उनको कह रहे हैं कि तुम गाली देते हैं हराम हो, ये तो हिना खान और फातिमा सना शेख के साथ भी होता है, लेकिन उन्होंने काम तो नहीं छोड़ा ना अपना, लेकिन वही उसी के ऊपर सवाल है कि क्या इन्होंने काम छोड़ करके और जिस रीजन को देकर के उन्होंने काम छोड़ा क्या वो कितना सही है कितना गलत है, सिर्फ इस पर हमारा बहस है। मैं निहारिका से जानना चाहूंगा, निहारिका आप एक लड़की हैं, आपने पढ़ाई की उसके बाद आप आज जॉब कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हैं, आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखती हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है?
मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जितना आगे बढ़े उससे ज्यादा ही पीछे चले गए जी। आप कितना, आपने मूवीज करी दंगल, आपने करी सीक्रेट सुपरस्टार, आप अब नेक्स्ट मूवी में आ रहे हो स्काई इज पिंक जहाँ पे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बने हो, आपने मूवीज भी ऐसी ली और आप काम भी वो कर रहे हो कि आपको वो करना ही नहीं है। तो मैडम वो मूवीज है ना, तो रियल लाइफ में अंतर होता है। मगर शोएब आप भी तो रील बात तो वो दिखाती है जो ये कोई बात समाज का आईना होता है। ये सिनेमा को तो हमेशा समाज का आईना कहते हैं और वो हमें इंस्पायर करा। सीक्रेट सुपरस्टार देख के हमको इंस्पायर हुआ कि शादी ही करनी है। ज़ायरा के अपने निजी फैसले को सिनेमा से जोड़ के देखना तो कोई मतलब नहीं बनता। सीधा सीधा धर्म घुसाना क्या सही है, क्यों धर्म के दबाव में वो ये बोल देती है कि वो अपने दोस्त की वजह से नहीं कर सकती। क्या अगर ये बोल के कि मैं स्वेच्छा से बाहर जा रही हूँ या मेरे पर्सनल रीजन से मैं बाहर जा रही हूँ, ये बोल के निकलना और ये बोल के निकलना दोनों में क्या फर्क नजर आता है? आपने एड ऑन करके बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे धर्म की उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं उसे कहीं ना कहीं आपने वापस धकेल दिया कि नहीं। अगर यानी आपने सीधा सीधा अपने फैंस को ये मैसेज दिया कि भाई मैं जैसे अपने आप को जैसे मैं काम करके खुद को अल्लाह की राह से दूर कर रही हूँ वैसे आप लोग भी काम करके अल्लाह की राह से दूर हो जाएंगे, इसका मतलब आप अपने सपने पूरे ना करें। यानी आप अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप एक्टिंग करियर में जाना चाहते हैं तो आप ये काम ना करें क्योंकि आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे। यानी एक डर करके उसने डर का पूरा कारोबार चल रहा है और इस डर के कारोबार में नहीं सकते सर आप, नहीं डर के कारोबार में डर कहना गलत हो गया ना। जो फातिमा सना शेख और जितने लोग बॉलीवुड में आज बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, जितनी मुस्लिम लड़कियां काम कर रही हैं, वो सब के सब अल्लाह की राह में एक सेटबैक हो जाएगा, एक सेटबैक हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं सर, जाहिर है आप पर्सनल हो, हर धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म में एक बात कही गई है कि कर्मो परम धर्म। तो अगर कर्म ही परम धर्म है तो आप दूसरा धर्म इसमें क्यों घुसा रहे हो? अरे भैया वो ज़ायरा की खुद की मर्जी है, तुम उसमें दूसरी चीज क्यों घुसा रहे हो? बात सीधी ये है, उसने ये बोला देखिए कितनी छह पेज। अरे तो सुनो, अगर और लड़कियां सोचेंगी कि अगर वो नहीं काम करेंगी या एक्टिंग में जाएंगी जैसा कि अतुल ने बोला तो वो अपने धर्म से दूर हो जाएंगी। इस डर से इतनी सारी लड़कियां काम नहीं करेंगी। एक चीज का जवाब दीजिए, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अल्लाह की राह पर जाना और वो इंसान जो सुबह उठकर अपने काम पे, नहीं आप मुझे बताइए, अल्लाह की राह पर जाना, एक साधु संत बन जाना और वो इंसान जो सुबह उठकर अपने काम पर जाता है, अपनी दिनचर्या को पूरा करता है, क्या अल्लाह उन दोनों में कोई फर्क समझता है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अब भाई फिर भी वही बात आएगी कि मर्जी किसकी है, इंसान की जो है। हाँ। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ, ज़ायरा इस चीज़ को अच्छे समझती है, दोनों चीज़ उसने एक जिंदगी का मजा ले चुकी है, दूसरे को चाहती है लेना। देखिए देखिए मेरी बात सीधे सीधा, आप सीधे सीधा लेके चलिए मेरा, तो ये तो चलिए छोटा सा एग्जांपल है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली को चली। अरे कैसे कह दोगे तुम 900 चूहे खा के बिल्ली को चली यार? तो फिर नहीं, शोएब की बात को मैं इस तरीके से ऐड करूंगा। अरे नहीं उसमें नहीं, देखिए वो उसका पर्सनल डिसीजन है, मगर धर्म को क्यों जोड़ा? नहीं नहीं गौरव, मैं शोएब की बात से एक बात को इत्तेफाक रखता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो एक लाइफ एंजॉय कर चुकी है, एक लाइफ में जाना चाहती है। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ज़ायरा वसीम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनका कोई भी डिसीजन, शी हैज अ रिस्पांसिबिलिटी, उनके पास वो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उन हजारों करोड़ों लोगों की, उन लड़कियों की। एक पब्लिक फिगर कश्मीर में, अगर वो ज़ायरा वसीम को पसंद करने वाली पांच लड़कियां भी होंगी, अगर वो पांच लड़कियां भी उनको फॉलो करती होंगी तो उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे ला दिया होगा कि जब यार ये लड़की इतना सक्सेसफुल होकर के अल्लाह की राह पर वापस आ सकती है तो फिर मैं भी गलती कर रही होंगी, मुझे करना ही नहीं चाहिए। डायरेक्टली उसने बोला कि मैं अल्लाह की राह से भटक गई थी, मैं वहाँ चली गई थी और मैं वापस आ गई। अल्लाह की राह पे अल्लाह की राह पे भटकते हुए, आप इस बात का अल्लाह की राह पे भटकते हुए जो है वो ज़ायरा वसीम आगे चली गई थी, बॉलीवुड में नाच गाना करने लगी थी और अब वो वापस आ गई है, अब वो अल्लाह की राह पे लग गई है। यानी जो लाखों लड़कियां ज़ायरा वसीम को फॉलो करती है वो ये मानेंगी कि भाई वो तो वापस आ गई, तुम जाओ ही मत। यानी तुम सभी कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें लाइफ में, ये इस बात का जवाब दीजिए। अगर लड़कियां ऐसे करेंगी तो फिर कैसे रहेगा? इस फैसले से क्या उन लड़कियों की लाइफ जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है, अपने सपने पूरे करना चाहती है, क्या ज़ायरा वसीम का ये फैसला उनको डिमोटिवेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सवाल का जवाब क्यों करेगा सर? क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो आपके 10 पर्सनल फैसले होते हैं अपने। हाँ तो भाई आप ये देखो कि आप एक सेलिब्रिटी हो, किसी के पर्सनल फैसले से आप कभी, आपने पूछा टीम में अर्शिया से क्या तुम्हारे पर्सनल फैसले निजी फैसले क्या है, कभी उस पर काम किया? कभी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम धर्म पे नहीं करोगी काम? अरे क्यों ना, उसकी मर्जी। मैं कल को कहने लगा चलिए बिहारिका में और ज़ायरा वसीम में ये फर्क है कि उनको
लाखों करोड़ों लड़कियां इस देश की, इस वर्ल्ड की फॉलो करती हैं। चलिए आप इस चीज को क्यों नहीं समझते, इस्लाम के हिसाब से उसने ठीक किया। चलिए ये जो पॉइंट है हमारे पास बहुत कम टाइम है और अब ये फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं, आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, ज़ायरा वसीम के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें इनखबर.com। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।